और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं और अब यहां पर पहुंचने के साथ साथ ही सीधा मीडिया से बात करेंगे और फिर अंदर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ी देर में संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाड़ियों का काफिला इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में मीडिया से बात करेंगे ये सत्र कैसा हो, बजट सत्र को लेकर कुछ अपनी राय जरूर रखेंगे, विपक्ष को लेकर भी कुछ बातें यहां पर अवश्य रखेंगे कि कैसे एक सार्थक चर्चा हो, देश हित में काम हो। बहस की अपनी जगह है लेकिन बहस भी मर्यादा में होनी चाहिए, जैसे कि अमूमन वो हर सत्र से पहले जो एक परंपरा है वो बातें कहते आए हैं। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं संसद भवन से, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब मीडिया से बात करने के लिए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ 5 राज्यों में चुनाव है और वहीं दूसरी तरफ संसद में आज एक बार फिर बजट सत्र के पहले चरण हो या फिर दूसरा चरण हो, दोनों में ही हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। अपने साथियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, जितेंद्र सिंह को आप देख रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और अब मीडिया से बात करने के लिए आगे बढ़ गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। नमस्कार साथियों, आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है। मैं आप सभी का और देश भर के सभी आदरणीय सांसदों का इस बजट सत्र में स्वागत करता हूं। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन, पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मदद रूप होंगे। ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं, लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। मुक्त चर्चा हो, माननीय चर्चा हो,
मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई चर्चा हो, अच्छे मकसद से चर्चा हो, इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।